अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। सो गाइस, वार्म वेलकम के साथ साथ यहां पे मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वार्म हो चुकी है, और वो दोस्त जो स्पॉट ट्रेडिंग में कुछ एक से दो हफ्ते में स्टक थे, उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर स्पॉट में रहते हुए एग्जिट मिल गया है। और गाइस, इसके पीछे वजह क्या है कि मिडनाइट के इस टाइम पे आके मार्केट अचानक से पंप हो रही है? तो दोस्तों, एग्जैक्टली वही जो मैं आपके साथ शेयर करता आया कि इथेरियम के ईटीएफ अप्रूवल की डेडलाइन को सिर्फ और सिर्फ अब यहां पर रह गए हैं दोस्तों दो दिन, बल्कि दो भी ना कहें आप, एक दिन बाकी रह गया है। तो ये सारे का सारा समझ लें कि जो पावर बूस्ट मार्केट में आ रहा है, ये इथेरियम की तरफ से है। गाइस, बीटीसी डोमिनेंस जो इस वक्त है वो अचानक 0.40% कम हुआ है। कैपिटलाइजेशन में एक बहुत बड़ा इजाफा, यानी कि 2.42 से 2.52, और एग्जैक्टली यहां पर इथेरियम 3400 का हाई दे चुका है। अब आप दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं आपको पिछले 8 दिन से एक ही बात कह रहा हूं, जिसमें इथेरियम के अंदर मेरी डेडिकेटेड वीडियो भी थी, जिस पे पूरा फोकस मैंने तमाम अपनी ऑडियंस का दिलवाया था कि भाई इथेरियम आज भी 3000 के ऊपर ऐसे है जैसे ये फ्री है। और मेरी प्रेडिक्शन थी दोस्तों कि इसके प्राइस को 3200 और 3250 पर तो नॉर्मली होना चाहिए, किसके लिए? स्पॉट ट्रेडर के लिए। तो गाइस, इधर तो काम कुछ और ही हो गया है, ये 3400 तक पहुँच गया है, 3400 तक। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो दोस्त जिन्होंने मेरी उस वीडियो को यहाँ पर सीरियस लिया, थोड़ी सी ट्रेड ली या बड़ी ट्रेड ली स्पॉट में रहते, उन सबको यहाँ पे मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट के इस वक्त हम बहुत ही स्मार्ट ट्रेड ले चुके हैं, और सिर्फ हमें 8 दिन इंतज़ार करना पड़ा, जस्ट 8 डेज। तो गाइस, ये है इथेरियम का फल जो आप बैठ के खा रहे होंगे, वो भी अकेले अकेले। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अब सवाल पैदा होता है कि इथेरियम कहाँ पर जाने वाला बनता है, तो उसके ऊपर हम लाजमी बात करेंगे। और बिटकॉइन के प्राइस जो हैं वो इस वक्त जो अपनी 67,000 की सपोर्ट से नहीं निकल रहे थे, उसके प्राइस में भी डायरेक्टली इजाफा हुआ है। और मैंने आपको इथेरियम की डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि ऐसा मुमकिन होता दिखाई दे रहा है कि अगली मार्केट को अब इथेरियम लेकर के चलेगा, यानी कि जिस तरह बिटकॉइन पूरी मार्केट को अकेला 35,000 से उठाकर 70 पे लाया, 70 पे, 73 पे, यानी कि 73,000 पे, और अब इथेरियम की बारी है। तो देखते हैं दोस्तों ये कहां तक जाती है। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन दोस्तों यहां पर इख्ताम पसीर हो रहा है, तो हम आगाज़ करते हैं बीएनबी और सोलाना से। तो दोस्तों, मार्केट ने हमें 2 टाइम यहां पर डोज दी, लेकिन हम फॉलो करेंगे जस्ट पहले मोमेंट को, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाद की बात होती है। तो दोस्तों, बीएनबी में हमारी सपोर्ट थी 575 की और रेजिस्टेंस थी 576 की, ओके। और जब 576 की जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हुई और 2 आवर तक कंप्लीट नहीं हुई, तो गाइस हमें बीएनबी ने लो दिया है 568 का। तो दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अभी के प्राइस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने अपने लेवल को फॉलो करना है। अब बेशक इधर मार्केट 588 पे पहुंची हुई है, ये बाद की बात है। तो दोस्तों, हमने 576.70 को बाकायदा तौर पे फॉलो किया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई और 568 का लो एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया था, हम मार्केट 570-71 तक जा सकती है। तो दोस्तों, मार्केट ने 568 का लो दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोमेंट की। तो दोस्तों, यहाँ पर बीएनबी हैवीली पंप हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि ये 568 से उठ के 588 पे आया है, तो इसके प्राइस में $20 का इजाफ़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा इजाफ़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब $20 के पंप के बाद हमारी नज़रें होंगी 591 पे। 591 दोस्तों इसकी अगली रेजिस्टेंस है, 591 जो हमें मिल जाती है तो बीएनबी 595 तक जा सकता है। लेकिन 585.90 पे ही बीएनबी अगला जस्ट 1 घंटा काट लेता है, तो दोस्तों बीएनबी के प्राइस में $4.5 से $5 की कमी हो सकती है। इस लेवल को आप फ्यूचर में यूटिलाइज़ करेंगे। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 174.80, और यहाँ पर सोलाना ने हमें एग्जैक्टली अपने लेवल पे जो कि है दोस्तों जो रेजिस्टेंस थी वो कम्प्लीट करवाई,
और हाई आपको बताया गया था जस्ट और जस्ट $4 का। सोलाना में भी हम कामयाब रहे दोस्तों, सोलाना अभी हाई दे चुका है पुराने लेवल का, जो हमने सेट किया था वो था 182 और अभी यहाँ पर है 184। तो गाइस सोलाना भी अपनी पीक पर है इस वक्त, लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर 185.90, ठीक है, जिसके लिए हमें जस्ट वन और दरकार होगा। वन और कंप्लीट होते ही ये हमें $3 मज़ीद यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। और अगर हम बात करें वीकर साइड की, तो दोस्तों सोलाना की वीकर साइड है 180.90, जहाँ पर मार्केट जो कि है अपना आप छोड़ देगी और इसके प्राइस टूट सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों XRP की तरफ। इतने बड़े पंप के बावजूद XRP के अंदर किसी किस्म की कोई ख़ास इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आई, अलबत्ता आ सकती है सपोर्ट के अंदर रहते हुए। 0.53 इसकी सपोर्ट रहेगी और शिबाइनू वगैरह में दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के अंदर कोई पंप आएगा, देन अदरवाइज अभी बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों डॉट में से हम एग्ज़िट कर चुके हुए थे, ठीक है, और डॉट ने हमें जो हाई दिया अपना सेकंड बाइंग के टाइम पे वो था 6.94 का, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट रहा और ऑलरेडी कंप्लीट था, ठीक है। जो सेकंड स्टेप था वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो था 6.65 का। तो दोस्तों हाई रहा 7.28 का, अलबत्ता इस वक्त पोलका डॉट 7.45 तक पहुँच चुका है। दूसरी जानब दोस्तों पोलका डॉट को हम रीयूटिलाइज़ अगर करते हैं तो हम इसे करेंगे 7.40 से 7.65 के लिए। ये एक लॉन्ग ट्रेड होगी, आप इसे फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए स्पॉट में फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जानब गाइस यहाँ पर चेन लिंक में हमारी एंट्री थी 16.20 से 6.30 के दरमियान। चेन लिंक ने हमें गाइस यहाँ पर लो दिया 16.36 का, लिहाजा हमारी ये दोस्तों बाइंग जो थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। सिर्फ 6 सेंट का यहाँ पर एक गैप था और लिंक इस वक्त हमें हाई दे रहा है दोस्तों 17.10 का, अलबत्ता इससे पहले का जो हाई था हम वही देखेंगे और वो था 16.85। हमें 50 सेंट की लिंक से दोस्तों ट्रेड जनरेट हुई है। नेक्स्ट मार्केट के लिए लिंक की सपोर्ट है गाइस 16.80, 16.80 नियर टोकन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर स्टक था करीब 5 दिन से और हमारी बाइंग थी 7.90, 7.95 एंड $8। अभी नियर हमें 28 सेंट की ट्रेड दे चुका है, हम इसे दोस्तों यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इससे ज़्यादा फ़िलहाल हम इसे भी यूटिलाइज़ नहीं करने वाले। मैटिक में से भी दोस्तों हमारा एक स्मार्टली एक्सिट हुआ है। अब आते हैं गाइस RNDR की तरफ। 9.60 हमारी गाइस इसमें सपोर्ट थी, स्टिल RNDR $10 को अपनी सपोर्ट बनाए हुए है। नेक्स्ट मार्केट के लिए RNDR की सपोर्ट होगी दोस्तों 10.70 की। पेपे कॉइन को दोस्तों हमने बाई किया था 4.5097 पे, ओके, और हम इस वक्त पेपे में 5.01034 पे हैं। ये एक बेस्ट लेवल है, पेपे दोस्तों बहुत जल्द यहाँ पे फिर ब्रेक हो सकता है, जिसके चांसेस तकरीबन 55% के हैं। तो बेटर ये होगा कि हम पेपे से निकल जाएं, हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉफिट मौजूद है, तो मज़ीद अगर लालच के चक्कर में पड़ेंगे तो दोस्तों बुरे फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ पर अल्टीमेटम दे रहा हूँ, उसको ज़रा संजीदगी से ले लीजिएगा, ओके। उसके बाद दोस्तों डॉग विद हैट में 2.58 की सब तमाम बाइंग का एग्ज़िट हुआ है यहाँ पर, और अब नेक्स्ट जो इसका टारगेट है एग्ज़िट का वो विफ का $3 का है। तो दोस्तों ये $3 से 15 सेंट ब्रेक हो सकता है बहुत इजीली, जिसे आप प्रेफर करेंगे फ्यूचर के लिए। आर्बिट्रम गाइस हमने कल बाय किया था 95 सेंट पे, ओके, और इस वक्त आर्बिट्रम हमें एक अच्छी ट्रेड दे रहा है। मैं समझता हूँ 1.10 और 1.15 इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर द एग्जिट। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट में FTM को मैं ऐड कर लूँ। 0.83 FTM की गाइस सपोर्ट थी और FTM दोस्तों 87 सेंट से फ़िलहाल नीचे नहीं आ रहा। इस वक्त मार्केट के मूड के मुताबिक ऐसा लग रहा है दोस्तों कि FTM इजीली 98 सेंट तक का हाई दे सकता है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो आप खिलाड़ी हैं तो इसे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल मार्केट के अंदर ज़ीरो एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इसे करंट सपोर्ट से जो कि है स्पोर्ट ट्रेड के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्दर गाइस यहाँ पर इथेरियम के पंप की वजह से LDO, OP इनके प्राइस पंप हो रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल उनका एग्जिट है जो जो पहले से स्टक थे, एंट्री नहीं बनती दोस्तों इनके अंदर।
फाइनली यहाँ पर आते हैं हम दोस्तों ओंडो की तरफ, और यहाँ पर ओंडो की हमारी दोस्तों सपोर्ट थी आज की 0.86, ओके। और ओंडो थोड़ा सा यहाँ पर अपर लेवल पे रहा, और नेक्स्ट मार्केट के लिए ओंडो को हम फ्यूचर में यूटिलाइज़ करेंगे दोस्तों, और वो है 0.9730 से ओंडो हमें दोस्तों 0.9850 तक का हाई दे सकता है। लास्ट में गाइस यहाँ पर सपोर्ट ट्रेडर की आप बात कर लेते हैं, जो सपोर्ट का लास्ट होल्डिंग थी वो थी दोस्तों 0.7350 की ईना में, ईएनए में, जो तकरीबन 4 दिन से स्टक थी। तो गाइस फाइनली यहाँ पर ईना 80 सेंट का बड़ा हाई दे गया है। अगर आप दोस्तों ने इससे एक अच्छी अर्निंग ली है तो आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है। कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी ओडी क्वाइन को लेकर कि उस्मान भाई ओडी को एनालिसिस में ऐड करें। देखें दोस्तों, जो टोकन बहुत ही ज़्यादा सुस्त रफ्तार से चलते हैं, मैं उनको बहुत रेयर डिस्कस करता हूँ। हालांकि अभी भी आपने सुना होगा इस वीडियो में कि 6 से 7 टोकन हमारे 4 दिन बाद एग्जिट करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि उनका वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, लेकिन ऐसा हुआ है, इट्स ट्रू। लेकिन ओडी 6-7 दिन में रिकवर करने वाला टोकन नहीं है, बल्कि ये ईज़िली आपके 2-3 हफ्ते ले लेगा। तो एक तो ये कॉस्टली बहुत है। सपोज़ करें कि इतनी बड़ी अमाउंट का टोकन अगर आप ट्रेड में लेकर आते हैं तो फिर उसमें सरमाया भी ज़्यादा चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि BTC और Ethereum को निकालकर बाकी सभी टोकन जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उनकी जो अमाउंट है वो $3, $4.5, $5, या सबसे महंगा होगा यहाँ पर Chainlink। तो अभी फ़िलहाल ओडी गाइस यहाँ पर मज़ीद $1.5 पम्प हो सकता है, यानी कि 43.50 से यह हमें $45 तक लेकर के जा सकता है। इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब बढ़ते हैं BTC और Ethereum के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC के प्राइस दोस्तों जब मैंने आपके साथ सुबह डिस्कस किए तो हम थे 66,910 पर, और एग्जैक्टली 66,910 एंड नाउ 69,910, $3,000 का पंप आया है दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि हमें 67,690 पे करीब 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए होगी सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, और मार्केट जो है यहाँ पर एक ज़्यादा से ज़्यादा 68,000 तक का पंप दे सकती है, 68,000 तक का, ये हमारी प्रेडिक्शन थी। तो दोस्तों हमारी प्रेडिक्शन से तकरीबन $1,800 एक्स्ट्रा BTC पंप कर गया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमारी प्रेडिक्शन भी कंप्लीट हो गई, एक्स्ट्रा जो आ गया वो एक्स्ट्रा इनकम हो गई आपकी। और आपको बताया गया था कि 45% पंप के चांस रहेंगे, इसके लिए आप सुबह की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको ये अपडेट दी थी। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी इथेरियम का जो ETF का दौरा चल रहा है उसे लेकर के डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि अब होना क्या है। तो दोस्तों 69,600 एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और प्रेडिक्शन अब यहाँ पर जो 68,000 को क्रॉस करने की थी वो कंप्लीट हो गई। मैंने आपको पिछले हफ्ते की BTC की वीडियो में बता दिया था कि अगर इस हफ्ते मार्केट 68,000 को क्रॉस नहीं करती तो फिर ये रिवर्सल ही रहेगी, लेकिन अच्छी बात है ये 68,000 को क्रॉस कर गई है, और हाई अभी का रहा है दोस्तों 69,980। सो यही लेवल हमें मॉर्निंग में चाहिए गाइस, यानी कि सुबह पाकिस्तान के 5:30 बजे, और मार्केट इजीली हमें 70,900 तक का हाई दे सकती है। अगर हम बात करें रिवर्सल की तो दोस्तों BTC की यहाँ पर वीकर जोन है 69,100, जिसके बाद मार्केट 1700-1500 तक का वक्ती लो दिखाकर दोबारा इसी प्राइस पे आ जाएगी। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए रहेंगे दोस्तों यहाँ पर यूनिस्वैप, लिंक और एवेक्स। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा डिस्कशन इथेरियम की मैं आपके साथ शुरू में कर चुका हूँ, तो हम अपने टाइम को यहाँ पर करते हैं शॉर्ट। सपोर्ट थी दोस्तों इथेरियम की 3050, और जो इसकी पॉजिटिव जोन थी वो थी 3130, 3130 पे आप इसमें एक सपोर्ट की एंट्री ले सकते हैं, ये आपको बताया गया था, और हाई मैक्सिमम आपसे शेयर किया गया था 3165 का। तो दोस्तों 3165 का आपको हाई मिला 3165 का, और एक अच्छी ट्रेड आपने ग्रैब की। अब उसका कंपैरिजन करूं तो मार्केट
$300 एक्स्ट्रा पंप हो गई है। ठीक है, तो मैं जैसे शुरू में बता चुका हूँ कि जिन भी दोस्तों ने मेरी सेपरेट वीडियो इथेरियम की वॉच की थी, उसने तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अर्निंग की है। मैं उस वीडियो का लिंक आपकी ये स्क्रीन पे भी चलाने वाला हूँ ताकि आप उस वीडियो को भी देख लें। तो गाइस, अभी यहाँ पर एक बुलिश मारुबुजू कैंडल बनी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन 5% जेन में एक बात हमेशा रखिएगा कि अगर ये न्यूज़ वर्क ना की तो इथेरियम उल्टे पैरी वापस आएगा, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ 5% जेन में रखिएगा। अभी यहाँ पर बिहाइंड द स्क्रीन 4 और का एक अप ट्रेंड है। जाहिर बात है, अब तो सारों को पता चल गया, अब मूवमेंट आ गई है मार्केट में। तो दोस्तों, यहाँ पर इथेरियम की वीकर जोन डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूँगा 3410 है, 3410 का ये ब्रेक पॉइंट है। ये ब्रेक होता है तो हम 3360-3350 तक का लो देख सकते हैं। जाहिरी बात है, यहाँ पर एक लेवल होता है क्वार्टर दोस्तों, और क्वार्टर ये है कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं यहाँ पर कि हमें एग्जैक्टली 3500 जैसा लेवल देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा 3470 पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस आपको इजीली 3520 पे लेकर के जाएगी, और 3520 ब्रेक हो सकता है। फौरी अपना प्रॉफिट ग्रैब कीजिएगा और एग्जिट कर लीजिएगा। तो आज हमने दोस्तों जिन टोकन में से अर्निंग की है वो दोबारा हम यूज़ करेंगे, उनमें टॉप के ऊपर है BGP, ENS और ETC। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।